बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग टू यू। वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ एटी यानी अरबी टीचर ईटा का एक टेस्ट। और ये टेस्ट 12 मार्च 2022 को लिया गया है। तो चलिए टेस्ट की जानिब टेस्ट शुरू करते हैं। दोस्तों, इसी वीडियो में हम 12 मार्च 2022 को होने वाली एटी टेस्ट की 50 सवाल हल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर पहला सवाल है कि क़ुरान की लंबी सूरत, इसी तरह का सवाल आया था। तो दोस्तों याद रखिए, क़ुरान की सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरतुल बकरा है। दूसरा सवाल इसी तरह का आया था कि ज़कात के मसारिब कौन सी सूरत में है। तो ये भी याद रखिए, ज़कात के मसारिब सूरत तौबा में बयान की गई है। तीसरा सवाल है कि क़ुरान मजीद की छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। दोस्तों चौथा सवाल है, ग़ज़वे खैबर किस हिजरी में हुआ था। तो ये भी याद रखिए, ग़ज़वे खैबर 7 हिजरी में हुआ। सवाल नंबर 5 है कि इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन किस सूरत में है। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन ये सूरतुल हिजरात में है। छठा सवाल है, ज़र्बुल मिसल जहाँ चाह वहाँ राह का क्या मतलब है। जहाँ चाह वहाँ राह, ये एक उर्दू ज़र्बुल मिसल है। इसका मतलब है कि अगर आप वाकई पुरअज़म है तो आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हैं, ख्वाह वह मुश्किल क्यों ना हो। सवाल नंबर 7 है, शुएब अलैहिस्सलाम कितने साल मूसा अलैहिस्सलाम के पास रही। शुएब अलैहिस्सलाम जो कि 8 साल, फिर 8 साल एक्सटेंड हो गई। तो मेरे ख़्याल में इसी सवाल का दुरुस्त जवाब जो है वह 10 साल है। सवाल नंबर 8 है, मदियन की तरफ कौन सी पैगंबर भेजी गई हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को। सवाल नंबर 9 है, हुन्नुल लिबासुलकुम व अंतुम लिबासुं, ये दोस्तों सूरतुल बकरा का आयत है और इसका मतलब है कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उसके लिए लिबास हो। सवाल नंबर 10 है, ला दीन लिमन ला सलात लहू, उसका कोई दीन नहीं जिसका नमाज नहीं। सवाल नंबर 11 है, अफ़ज़लुल अमाल सलात जबकि अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। सवाल नंबर 12 है, निस्बे क़ुरान कौन सी सूरत में मुकम्मल होती है। दोस्तों क़ुरान मजीद में जो दरमियान में लफ्ज़ आया है निस्ब में, वह वलयतलत्तफ है जो कि सूरतुल कहफ में है। सवाल नंबर 13 है, डे शत्रुल ईमान यहाँ पर अत्तुहूर लगेगा, सफाई निस्ब ईमान है। सवाल नंबर 14 है, बिस्मिल्लाह के बग़ैर सूरत कौन सी है। सूरह तौबा है जबकि सूरह नमल में बिस्मिल्लाह 2 बार आई हुई है। सवाल नंबर 15 इसी तरह का था कि इसराइल के क्या माने हैं। इसराइल के माने हैं वन वो स्ट्रगल्स विद गॉड। सवाल नंबर 16 है, इसराइल किसका लक़ब था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। सवाल नंबर 17 में पता नहीं ये इसका करेक्ट आंसर क्या है, कोड़ा छुपाई किसका खेल है। मेरे ख़्याल में ये कोरिया का है लेकिन इसी क्वेश्चन का मुझे ठीक तरह से पता नहीं। सवाल नंबर 18 है, सूरत निसा कौन से पारे में है। तो दोस्तों याद रखिए, सूरत निसा चौथे पाँचवें और छठे पारे में है। सवाल नंबर 19 है, सबसे पहले रोज़ा किसने रखा। दोस्तों इसी क्वेश्चन का भी मुझे नहीं पता। सवाल नंबर 20 है, कराची सन का क्या है, कैपिटल यानी दारुल खिलाफा है। सवाल नंबर 21 है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाला अलैहि वसहबी वसल्लम की ऊँटनी का नाम क्या था, कसवा था। एक सवाल इसी तरह का था कि फसल से तरकीब में क्या है। सवाल नंबर 23, अक्तुपिल फसल, तो यह भी जो लफ्ज़ आया हुआ था वह आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि यह कौन सा लफ्ज़ जो था वह ठीक था। सवाल नंबर 24 है, ग़ज़वे अवतास किस ग़ज़वे का दूसरा नाम है। दोस्तों ग़ज़वे अवतास जो कि 8 हिजरी में लड़ी गई, ये ग़ज़वे हुनैन का दूसरा नाम है। सवाल नंबर 25 है, हुदैबिया कौन से ग़ज़वे के बाद हुआ। दोस्तों हुदैबिया से पहले 5 हिजरी में ग़ज़वे खंदक लड़ी गई थी। 5 हिजरी में ग़ज़वे खंदक के बाद 6 हिजरी को सुलह हुदैबिया हुआ था। सवाल नंबर 26 है, यौमुल फुरक़ान का मतलब क्या है। यौमुल फुरक़ान हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला दिन है। दोस्तों ग़ज़वे बदर को भी यौमुल फुरक़ान कहा जाता है। सवाल नंबर 27 है, मुसलमानों ने काबा में किस दिन बुत तोड़ी थी। दोस्तों मुसलमानों ने मक्का 8 हिजरी में फतह किया था और 10 रमज़ान को मुसलमान जो थे वह मक्का में दाखिल हुए थे।
सवाल नंबर 28 है, मवाखात किसके घर में हुआ? हज़रत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर में। सवाल नंबर 29 है, सलाहुद्दीन अयूबी कहाँ पैदा हुई? तिकरात इराक में। सवाल नंबर 30 है, 1946 से 1947 तक ख़जाना के वज़ीर कौन थे? लियाकत अली ख़ान थे। सवाल नंबर 31 है, पाकिस्तान में सबसे पुरानी ज़ुबान सिंधी ज़ुबान है। सवाल नंबर 32 है, इमरात के लिए जमा का सीगा कौन सा होगा? तो इसके लिए जमा का सीगा अलिफ मीम रे अलिफ और ता होगा, इमरात। सवाल नंबर 33 है, ग़ज़वे उहद कब हुआ और किस महीने में? ग़ज़वे उहद 3 हिजरी में शव्वाल के महीने में हुआ था। सवाल नंबर 34 इसी तरह का था कि कवायद की रूसी कौन सा जुमला दुरुस्त है? रमूजी उस्ताद ने कहा, वह बच्चे अच्छे हैं जो मेहनत करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को भी आप ज़रा ख़ुद कन्फर्म कर लीजिए। सवाल नंबर 35 है, एग्रीकल्चर यानी ज़रात और फिशरीज़ क्या ज़्यादा है किस सूबे में? तो व्यूअर्स, ज़रात और फिशरीज़ इसके लिए जो मशहूर सूबा है पाकिस्तान का वह सूबा है पंजाब है। सवाल नंबर 36 इसी तरह का था कि कवायद के रूसी दुरुस्त जुमला, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। सवाल नंबर 37 है, मुझे आम बहुत पसंद है, इसकी अरबी दोस्तों बतानी थी। मुझे आम बहुत पसंद है, अना अहब अलमांजू कसीरा, अना अहब अलमांजू कसीरा, मुझे आम बहुत पसंद है, इसका अरबी ट्रांसलेशन है। सवाल नंबर 38 है, हसन बिन साबित कहाँ पैदा हुई? मदीना मुनव्वरा में। सवाल नंबर 39 है, जिसका पायल मालूम हो वह कौन सा पायल है? जिसका पायल मालूम हो दोस्तों उसे पहले मारूब कहा जाता है। सवाल नंबर 40 इसी तरह का था कि यूसुफ या कुल। सवाल नंबर 41 था कि पानी लाओ कौन सा सीगा है? सवाल नंबर 42 है, अगर बारिश न होती में अगर क्या है? दोस्तों यहाँ पर अगर शर्त है। सवाल नंबर 43 था कि कुरान की तदवीन में फिक्र किसने किया? सवाल नंबर 44 था कि मुनज़रा सगीरा का माना क्या है? सवाल नंबर 45 है, अमीरुल मोमिनीन का लक़ब किसको पहले मिला? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 46 है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कितनी उम्र में भेजी गई? तो दोस्तों हुज़ूर अकरम ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली थी। सवाल नंबर 47 इसी तरह का था कि जुमला जब मुकम्मल हो और मुकम्मल वक्फा हो तो उसे कवायद की रूसी क्या कहते हैं? सवाल नंबर 48 है, उसका हाफिज़ा बहुत तेज़ है, इसमें ज़मीरी इजाफी क्या है? यहाँ पर ज़मीरी इजाफी बहुत है। सवाल नंबर 49 है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में कितना वक्त गुजारा? दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम 708 से लेकर 711 तक 3 साल तक सिंध में रहे। और हमारे पास इसी वीडियो का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 50 है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का नसब किस पैगंबर से मिलता है? तो दोस्तों ये रही 80 टेस्ट के 50 सवाल। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।